सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। सफलता का दरवाजा हमेशा खुला रहता है, यह तो आप पर निर्भर करता है कि आप उसे पार कर पाते हैं या नहीं। एक अफसोस के साथ ना उठो कि कल आप क्या नहीं कर पाए, बल्कि इस सोच के साथ उठो कि आज आप क्या कर सकते हो। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि यह तुम्हारे बस का नहीं है। आज का पंचांग 17 जून 2021 दिन गुरुवार, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, रात्रि 10 बजे तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र रात्रि 10:13 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:08 से 3:49 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12 से 12:54 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर सुबह 4:07 तक रहेगी। इसके उपरांत कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगी। मकर राशि 17 जून 2021 दिन गुरुवार, आज आप किसी भी अच्छे बुरे तरीके से अपना लक्ष्य पा लेने के मूड में हैं। काफ़ी समय तक उदास रहने के बाद आपको आज अपने ग्रहों की बदौलत काफ़ी आत्मविश्वास का भी अनुभव होगा। आप अपनी मानसिक प्रवृत्ति के आधार पर फैसले ले सकते हैं, यकीन मानिए भी सही ही साबित होंगे। आप अपने कार्य को नया रूप देने के लिए ज़्यादा रचनात्मक तरीके अपनाएंगे और सफलता भी मिलेगी। किसी नज़दीकी संबंधी के घर में आगमन से परिणाम में खुशनुमा माहौल रहेगा। खर्च के साथ साथ आय में भी वृद्धि होने से उचित व्यवस्था बनी रहेगी। चुनिंदा लोगों के साथ ही अपनी समस्या के बारे में चर्चा करें, क्योंकि अधिक लोगों के साथ चर्चा करने के कारण आपकी प्रतिमा पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ रहा है और न ही आपको अपनी बातों का हल प्राप्त होगा व्यक्ति से मदद की अपेक्षा रखते समय उनके साथ आपका किस तरह से बर्ताव है इस बात पर भी ध्यान दें। काम की जगह अपनी मनमर्जी अधिक चलाने के कारण वरिष्ठों के साथ विवाद उत्पन्न होंगे। केवल अपनी भावनाओं पर ध्यान देने के कारण आपके द्वारा पार्टनर को जाने अनजाने में तकलीफ हो सकती है। बच्चों की सेहत की चिंता अधिक रहेगी। सावधानियां, ससुराल पक्ष के साथ कुछ मनमुटाव की स्थिति बन रही है। अपने व्यवहार में लचीलापन बनाकर रखें। घर की बात बाहर उजागर ना हो, अन्यथा इससे परिस्थितियां और गंभीर हो सकती हैं। बात करते हैं लव लाइफ की। काम की अधिकता की वजह से घर पर अधिक समय नहीं दे पाएंगे, परंतु परिजनों का उचित सहयोग तथा इसने आप पर बना रहेगा। आज आप किसी ऐसे आदमी से मिलेंगे जिससे आप व्यक्तिगत तौर पर तो बहुत प्रभावित होंगे, लेकिन आपको कोई मानसिक उलझन है। आप किसी ऐसे आदमी को चुनना चाहते हैं जिसके पास आपको देने के लिए काफी कुछ हो, लेकिन प्यार इतना स्वार्थी नहीं हो सकता। इसलिए अगर आप प्यार पाना और प्यार करना चाहते हैं तो आपको यह सोच विचार छोड़ने होंगे और मिलजुल कर चलने की राह पर चलना होगा। बात करते हैं करियर की। आप पर अपने व्यक्तित्व और व्यवहारिक दोनों जीवन में भारी जिम्मेदारियों का भार है, इसलिए आपको अपने समय का प्रबंधन उचित तरीके से करना होगा। हालांकि आपके सहकर्मी आपकी मदद के लिए आगे आ सकते हैं अगर आप उनसे सहयोग की मांग करें, लेकिन अधिकता में कुछ ना कहें, क्योंकि एक बिंदु से आगे वे आपको ना भी कह सकते हैं। आप में भविष्य की योजना बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा रहेगी। आर्थिक रूप से दिन उत्तम है, आय की स्थिति बेहतर होगी। कर्मचारियों तथा सहयोगियों का भी उचित कार्य क्षेत्र की व्यवस्था को बेहतरीन बनाकर रखेगा। नौकरी में किसी प्रोजेक्ट को लेकर सहयोगी के साथ कुछ बहस की स्थिति भी बन सकती है।
बात करते हैं सेहत की। आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक और शारीरिक मेहनत वाला कार्यक्रम आपके लिए किस प्रकार फायदेमंद साबित हो रहा है यह आपको अब दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अगर आप किसी डाइट कार्यक्रम का पालन कर रहे हैं तो आपको अपना वजन घटता बढ़ता दिखाई देगा, जैसे कि आप चाह रहे थे। आपका एक्सरसाइज कार्यक्रम भी बिल्कुल ठीक है और इससे हो रहा फायदा भी आपको नजर आएगा। इससे आपको और भी अच्छे और नियमित रूप से अधिक शारीरिक मेहनत की प्रेरणा भी मिलेगी। बात करते हैं सेहत आज का उपाय। आज आप पीले फलों का गरीबों को दान करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।